मैं कौन कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर मेरा नावल अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल की सारी अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सके। आज तो ईमानदारी से बेईमानी करने का हक बनता है यार मेरा। वो उसकी चुप तोड़ने पर बाजिद था मगर दूसरी तरफ तो जैसे गहरा सुकूत तारी था। कामिल ने गहरी सांस ली और कुर्ते की जेब से कुछ निकालने लगा। महमल ने अब एक दफ़ा फिर से मजामत करने की अपनी सी कोशिश की मगर एक हाथ से कामिल ने गिरफ्त और भी मजबूत कर डाली थी और हंस दिया यूं जैसे कोई किसी की नादानी पर हंसता है। तुम भूल रही हो कि मैं तुम पे अब हर किस्म का हक रखता हूँ। सुर्ख बॉक्स में से कामिल ने एक नगीनो जड़ा ब्रेसलेट निकाल के महमल के उल्टे हाथ की कलाई में पहनाया जिसे महमल ने बगैर किसी मुजामत के पहन लिया। ये तुम्हें अच्छा लगा हो या नहीं मगर जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक ये तुम्हारे हाथ में रहना चाहिए। अजब धौंस बड़ा रह जाता। ये धमकी थी या ख्वाहिश वो समझ न सकी। कामिल उसको एक झटके से छोड़ के वार्डरूम की तरफ बढ़ा था मगर फिर एकदम कुछ याद आने पे वापस पलटा। मेरा ख्याल है कि आज की रात के तमाम तकाजे तुम बाखूबी जानती होगी। अगर नहीं तो फिर इल्म होगा तो मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ फिर डिटेल में तुम्हें समझा दूँगा। इससे पहले ज़रा तुम ये अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। वो उसके सरापे पे एक नज़र भरपूर निगाह डालता वापस वार्डरूम की तरफ बढ़ गया जबकि महमल उसके वाशरूम जाते ही ड्रेसिंग टेबल की दराज में बड़ी फुर्ती से ना जाने क्या तलाश कर रही। वो दराज में कोई डेंजरस चीज़ ढूंढ रही थी अपनी हिफाजत के लिए मगर सवाए नेल कटर के अलावा कुछ भी हत्थे ना लग सका। हो गई तलाशी। वैसे राज की बात बताओ कसम से मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं है। तुम्हें मेरी वार्डरूम और ड्रॉज में से बस तुम्हें यही मिल सकता है। कामिल ने उसकी पुश्त में थोड़ी टिका के एक हाथ से उसको हसार में लिया था जबकि दूसरे हाथ से नेल कटर लेकर दूर उछाला था। वो टावल लेने वापस पलटा था जब महमल को कुछ ढूंढने में मसरूफ पाके वो बगैर उसके काम में रुकावट डाले सीने पे हाथ बांधे तमाम तब कार्रवाई मुलायजा फरमा रहा था। फिर पहल वो लेता नहीं था गलती से भी और जाने की वजह से कोई भी खतरनाक चीज़ मैं नीचे जगह पे नहीं रखता। छोड़िए मुझे ये क्या बच्चों जैसी हरकत है। बड़ों जैसे ही काम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से तुम अब बच्ची बन रही हो। वो गंभीर लहजे में कहता उसकी सुराहीदार गर्दन पे अपने देखते हुए रब रख चुका था। फिजा में मोहब्बत गुनगुना रही थी। एक अजब सा जादू 400 फैल रहा था। कैसी मुश्किल में फंस गई थी जान। कैसा भोंचाल आ गया था दोनों के जज्बात के तलातम में। वो समझ ना सकी अपनी खुद की कैफियत को। तेज तेज होती धड़कनों ने शोर मचा दिया था। उसका नाजुक सरापा कामिल की वाले हाना गिरफ्त में मचल रहा था। नरम गरम सांसों की तपिश ने जैसे महमल को झुलसा डाला था। उसकी जान फना होने को थी उसी लम्हे। मजामत कैसी बेमायनी लग रही थी। वो जुनून हशर कर उठा देने को था। कामिल आगा जाना मम मुझे जाना बुला रही होगी वो सोएंगी नहीं। उसकी जसारतों से बौखला कर वो बोल पड़ी थी। उसको अब रिहाई मुमकिन ना लग रही थी। अपनी कामिल उसको बेबस करने के दर पे था। मैं भी तो तुम्हारे भी न अधूरा हूँ। जाना का बाप भी तो तुम्हारे बगैर नहीं सो सकता डियर मैमी। वो उसका रुख अपनी तरफ मोड़ गया था। महमल की उड़ती गिरती लड़स्ती पढ़ के उसके चेहरे को हया के खूबसूरत रंगों में ढाल रही थी। वो मबहूस सा हो गया था। महमल की जान हवा होने लगी थी। कामिल की जसारतें लम्हा ब लम्हा महसूस करके कितना खौफ उतर आया था उसके चेहरे पे। वो उसके चेहरे के हर एक जाविये को पढ़ सकता था मगर उस वक्त वो महमल के होश रहा हुसन के आगे हथियार डाल चुका था या फिर शायद आज की रात वो उसको अपनी मोहब्बतों का एहसास दिलाने का फैसला कर चुका था। पेशानी से गदास लबों तक शहादत की उंगली से एक सरात बनाई थी। वो उसके करीब था बेहद करीब। कामिल की कुर्बत उसके वजूद को जैसे झुलसा देने पर आमादा थी। सारा वजूद जैसे महमल की गिरफ्त में कैद हुआ शल होने को था। मोहब्बत जिंदगी है और बेशक जिंदगी बहुत मुख्तसर है मैमी। वो उसको समझा रहा था। जानता था कि वो इससे खफा है। मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं अभी खुद को इस रिश्ते की हकूक की अदायगी के लिए तैयार नहीं कर पा रहे। मुझे खुद को आमादा करने दें समझने दें कि वक्त बदल चुका। एहसास को तब्दील होने में वक्त लगेगा। कुछ समझौता करने के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ लेकिन फौरी तौर पे मैं आपकी कुर्बत और लम्स की मुतमन्नी नहीं हो सकती। महमर का लहजा कतई था। हर किस्म के जज्बात और एहसास से आ रही वो कामिल को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी या फिर सिरे से समझना ही नहीं चाह रही थी। वह नादानी से ये भूल बैठी थी कि वो कैसे बंदे को काट रही है जो कि उसके लिए जीता है और उसी के लिए उसकी सांसें चल रही थी। मेरी कुर्बत तुम्हें तकलीफ दे रही है मैमी। क्या तुम मुझसे रिहाई चाहती हो। कामिल का लहजा चाहते हुए भी सख्त हुआ। महमिल ने जिस तरह से उससे अपना आप छुड़वाया था वो इस किस्म की उम्मीद नहीं कर सकता था। जिस तरह से महमल ने उसको रद्द किया था उसके जज्बात की तोहीन की थी।
सीधे सीधे वो कामिल की अना को मजरू कर गई थी, मगर सामने भी कामिल था जिसकी बर्दाश्त हद से सवा थी। मगर अगर कामिल की जगह कोई और होता तो उसका हशर बिगाड़ देता, मगर कामिल तो सिरे से था ही उसका। इसके लिए उस रिलेशन से ज़्यादा उसकी खुशी अजीज थी, मगर मैमल को एहसास दिलाना भी उसके लिए ज़रूरी था। ज़िंदगी मोहब्बत से गुजरती है मैमल, याद रखना, और दूरियाँ और बदगुमानियों को खवा मखवा दिल में जगह मत दो। मैं बदगुमान नहीं हूँ, मैं जो भी सोच व समझ रही हूँ वह सब सोचने के लिए मुझे आप ही ने मजबूर किया। वो उस वक्त बहस नहीं करना चाहती थी, मुझे कुछ लम्हों के लिए सुकून चाहिए। बदगुमानी इतनी ही रखना जितनी के रिश्तों को कमज़ोर करके तोड़ ना सके। तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसको मेरी तरफ से एक छोटी सी मोहलत समझ लो, और जितनी जल्दी हो सके खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार करो, तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं बंदा बशर हूँ, किसी वक्त भी बहक सकता हूँ, और फिर तुम उस समेत मेरे वजूद को राहत पहुँचाने का बाइज हो खुदा की तरफ से। वो कहकर रुका नहीं था और अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया था। सुबह महमल की आंख अपनी वजूद पे दबाव सा महसूस करके खोली, उसने पड़ से आंखें खोल दी। कामिल उसको किसी गांव तकिए की तरह दबोचे सोया हुआ था। अभी ये झटका ही काफ़ी ज़ोर से लगा था कि वो कामिल की आगोश में थी, मगर फिर उसके बाद तो जैसे ही उसकी नज़र कामिल के चौड़े सीने पे पड़ी, उसी लम्हे तो उसकी जैसी रूही फना हो गई। ये देख कर के कामिल बगैर शर्ट जेब तन किए बड़े मज़े से खाबो खरगोश की मज़े लूट रहा था। महमल ने बगैर आहट किए आज उसके पास से चुपचाप उठना चाहा। जब कामिल ने कसमसा कर मज़ीद उसको खुद में जकड़ा और अपना सर उसके बालों में छुपा गया। गहरी नींद में सोया वो किसी की सांसों को बुरी तरह से उथल पुथल कर चुका था। महमल का तनफ्फुज़ उसकी इंतहा से बड़ी कुर्बत को महसूस करके लम्हों में बिगड़ा था, और वो बगैर नींद की वादियों में मदहोश शायद ख्वाब में भी अपनी जोजा मोहतरमा से अटकेलियाँ करने में मगन था। क्योंकि जागते में रुमैस तो दूर की बात, महमल किसी चील की तरह खुद की हिफाजत कर रही थी। जहाज़ी साइड बेड, ब्राइडल डीप मैरून बेडशीट, गुलाब मोतियों और नेट से सजी सेज, कारपेट पे बिछी गुलाब की पत्तियाँ और हार्ट शेप के गैस बलून्स को रंग बिरंगे रिबन्स लगा के छत को आर्टिस्टिक अंदाज में सजाया गया था। बेड पे बिखरी गुलाब की बत्तियाँ और क्रिस्टल्स में जलती मोमबत्तियाँ उस पे तजाद दबीस पर्दे जो रोशनी की एक किरण को भी कमरे में झांकने नहीं दे रहे थे। भीनी खुशबू बेडरूम की फिजा में रुचि हुई माहौल को कुछ और भी फसूखेज और रोमानवी बनाने में पेश थी। सुबह के 8 बज रहे थे, मगर कमरा ऐसा मंजर पेश कर रहा था जैसे आधी रात ही बीती थी, सुबह होने में कई घंटे बाकी रहते हों। इस नावल का अगला हिस्सा मेरी अगली वीडियो में, और ऐसी खूबसूरत और रोमांटिक नावल पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।